आगे बढ़ेंगे और खबर आपको देंगे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि नैब पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाला इदारा है। अफसरान और काबीना नैब के डर की वजह से फैसले नहीं करते। जब तक नैब का इदारा है मुल्क नहीं चल सकता। नैब कोर्ट कराची में पेशी के मौके पर नून लीगी रहनुमा का कहना था कि कोई किसी जमात को खत्म नहीं कर सकता। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी वहाँ इलेक्शन चोरी होंगे। मिल बैठ कर मामलात को तय करने की है। किसी ना निज़ाम के अंदर ये सलाहियत है ना किसी जमात में सलाहियत है कि मुल्क के मामलात को तय कर सके। कोई किसी जमात को नहीं ख़त्म कर रहा। अगर कोई जमात अपने आप को ख़त्म करना चाहती है तो मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। तो आज हमें अपने मामलात बड़ी ज़िम्मेदारी से चलाने पड़ेंगे। ये रिलीफ की जो बात है इसमें रिलीफ यही है कि मजीद बोझ अवाम पर ना डाला जाए, ऐसा उसका बंदोबस्त किया जाए और हुकूमत के निज़ाम को दुरुस्त किया जाए। ये निज़ाम नहीं चल रहा। इस अदालत में 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं कि इस केस को चलाया जाए। मेरी पहले दिन से दरख्वास्त थी, आज भी ये दरख्वास्त है कि ये केस चलाएं और पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि इन केसों में क्या है और अदालतों में क्या हो रहा है। लेकिन एक चीज़ जो वाज़े नज़र आती है कि अगर ये इदारा रहा मुल्क के मामलात नहीं चलेंगे। मैं बार बार कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, इस बात को समझें। इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी रहा, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।